आज संडे हो तो इतनी स्वाद पूरी, तो बारिश का मौसम नज़ारे। भैया क्या रेट है एक प्लेट का? क्या बात है, साइज देखो जम्मू पूरी का। सो आज हम बहुत ज़्यादा अमेजिंग जगह कैप्चर करने आए हैं, इतनी बरसात में भी मेरा बस कैमरा ना ख़राब हो जाए भाई। सो ये है, अभी हमने नहीं बताना क्या है, बाय दसांगे कितने हैं एंड में बताएंगे वीडियो के भैया। तो ये पूड़ियाँ बन रही हैं, आज पूड़ियाँ कैप्चर करने आए हैं। सो आप पूड़ियों का साइज़ दे सकते हो और यहाँ पे रश देख सकते हो, बारिश है और गाड़ियों में लोग खाने आ गए हैं। तो सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, अंदर भी इनका हॉल है सेपरेट, तो जहाँ पे आप आराम से ब्रेकफास्ट को इंजॉय कर सकते हो। सो ये तैयार हो रही है हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। सो ये गाइस सारा बिना प्याज और लहसुन के बने चने हैं, सारी सब्जियाँ इनकी लहसुन और प्याज के बिना है। ये बहुत मतलब लाइक बढ़िया लगा सुन के, एक तरह से जैन पूड़ी कह सकते हैं फिर हम। नहीं पर होता प्याज मिलता है, वैसे प्याज है बट तड़के में प्याज नहीं यूज हुआ। जो लोग अवॉइड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। भैया क्या रेट है एक प्लेट का? 100 रुपया जी। 100 रुपया दो पूड़ियाँ, दो पीस। ये आम की चटनी है। तो ये राई वाले आलू हैं, ये कद्दू का अचार और ये आम की चटनी। बहुत कुछ साथ में मिल रहा है आपको खाने को, पूड़ी के साथ भरमार। और ये देखिए पूड़ी का साइज क्या। ये बेसिकली जम्मू पूड़ी है, बड़ी बड़ी जम्मू पूड़ी बन रही है। ये बहुत बड़ा साइज है। बारिश के मौसम में हम भी आ गए हैं भीगते भीगते। सही बात, चलो संडे है, चीट तो करना ही है, साथ में शूट कर लेते हैं। बस बस बस। तो ये एक मैंने एक बार ट्राई की हुई है ये जगह, मतलब मुझे अच्छी लगी, तभी मैंने इससे बात करी कि चलिए यार इसका शूट करते हैं। शूट करते हैं, सही बात है। बारिश का मौसम है, ये भी एक हिडन जेम है। लोगों को कम पता है इसका, जम्मू पूड़ी बहुत ही फेमस है इनकी। बस बस बस, सही बात। और अकेली पूड़ी ही नहीं है यहाँ पर, साथ में इनकी लस्सी बहुत अच्छी है, मीठी लस्सी चलती है, साथ में इनके जूस भी है, मैंगो शेक है, साउथ इंडियन है, प्रॉपर रेस्टोरेंट भी है इधर। रेस्टोरेंट भी है। तो ये है इनकी शॉप और अंदर है इनका रेस्टोरेंट। और पूड़ी 7 दिन मिलती है। ओके अच्छा, तो 9 से 2 बजे तक गाइस पूड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो आप इंजॉय कर सकते हो। हम 1:30 बजे आए हैं और आप देख सकते हो हैवी रश। सत श्री अकाल जी, मैं खाना फूड कॉर्नर तो ऑनर गल कर रहे हैं जी। तो ये अपना शॉप जी हैगी है तकरीबन 30-35 साल पुरानी हैगी है। स्टार्टिंग अपनी जूस तो स्टार्ट किया, कनोपी तो स्टार्ट किया, अज मालक की कृपा ने इतने तक पहुँच गया जी। हाँ जी हाँ जी। तो यू स्टार्ट किए सू तकरीबन 10 से 12 साल हो गए जी। 12 साल हो गए। मैंगो शेक तो सर दूजी मैंगो शेक जो है ना पूरे शहर से तुम्हें कितों नहीं मिलना, साढ़े को 12 महीने मिलना जी। अच्छा, 12 महीने आप बनाने जी। तो सैकेंडली जी अपनी स्पैशलिटी हैगी फ्रूट सैलड भी, आप फ्रूट सैलड कटिंग करके दे दी है, खास करके फास्ट बहुत लोग प्रैफर करते क्योंकि आप कोई सॉसिस नहीं लगानी, कोई कुछ नहीं। जो अपना सॉल्ट भी होंगे ना वो आप खुद तैयार करी दी, जो अपना जूसिस यूज हों। तो बाकी कस्टमर यही कहे तुम एक बार विजिट करो तो सू दसो की फीडबैक है, साढ़े वालों तो सर आप बेस्ट ही देवे। मसाला डोसा जी, दैन साउथ इंडियन फूड टोटली सारा, इडली वड़ा रवा डोसा उत्पम। तो रवा डोसा बहुत स्पैशल है, जोड़ा सूजी का बनता जी, स्पैशली रवा मिक्स खाओ। तुम सेंटर की सिटी बैठे हैं जी, सिटी की सेंटर से बैठे हैं सर, जेड़ा पहला बस स्टैंड तो आए तो पहले खुराना तो होके जाए फिर अपनी शॉपिंग शूपिंग चोरी करे रहना कि यार अटारी बाजार जिते भी जाना जो जाए उदो फिर खा के जाए। पूड़ी तो बहुत अच्छी है, रेगुलर आते हैं खाने। क्या कुछ स्पेशल क्या लगता है? अच्छा वैसे सब्जी प्रेपरेशन बहुत बढ़िया है, साइज भी अच्छा पूड़ी का, पैसा वसूल जाएगा। हाँ जी बहुत बढ़िया है। कैसी लगी आपको पूड़ियाँ? फूड इज़ वेरी डिलीशियस एंड वेरी फास्ट सर्विस, आई एम वेरी हैप्पी। ओके सर्विस नो सेकेंड टाइम। सेकेंड जलंधर से ही हो? हाँ जी जलंधर से ही हो। अच्छा ठीक है ठीक है। सो सबने पूड़ियाँ ही खाई या कुछ और भी आपने ट्राई किया? खाई, आइसक्रीम खाई, वो भी बहुत अच्छी, कॉफ़ी अब पीने लगे हैं। अच्छा हाँ, कॉफ़ी तो लग ही रही है पूरी, मेरे मतलब की झाग वाली कॉफ़ी। सर्विस बहुत क्विकली थी, जब हम आए तो बहुत क्राउड था यहाँ पे, तो बहुत क्विकली हमें सर्व किया उन्होंने। ठीक है। इन्हों का हरेक चीज़ है ना, एक तो सफाई बहुत इन्हों की फूड विच, सफाई क्लीनिंग, और एक इन्हों का स्टाफ बहुत अच्छा, शेफ बड़े इन्हों के अच्छे है, इन्हों की अपनी जी रिस्पेक्ट
ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਡੋਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਡੋਸਾ ਖਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੰਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪੂੜੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਝੱਗ ਵਾਲੀ ਕੌਫੀ ਸਭ ਕੀ ਫੇਵਰੇਟ इसमें स्पेशल ड्राई फ्रूट भी डल रहा है ये इनका स्पेशल डोसा तैयार हो रहा है सो काफ़ी वैरायटी चल रही है यहाँ पे मसाला डोसा मशरूम अनियन डोसा और दिस स्पेशल डोसा चलो अब इसका पंचर कर इतना बड़ा साइज है गाइस पूड़ी का सो लाइक लिटरली और ये बहुत क्रिस्पी है यार मतलब देख तो सही कितनी पतली सी लेयर है तो मतलब रहा नहीं जा रहा फटाफट ट्राई करते हैं तो साथ में तीन तरह की सब्जियां एक तरह से बहुत अमेजिंग है यार पहले आलू की सब्जी मजा आ गया बहुत ही ज्यादा टेस्टी प्रॉपर क्रिस्पी हल्की सी स्पाइसी आलू की सब्जी मजा आ गया गाइस बेस्ट थिंग इज ये बिना लहसुन प्याज के बने हैं और इतने टेस्टी है मतलब पता नहीं लग रहा खाने में कि आपको ये लगेगा तड़का नहीं लगा या ये चीज़ नहीं हुई बहुत ज़्यादा टेस्टी है चने भी इतने टेस्टी है राई वाले आलू के साथ और साथ में मीठी चटनी मतलब हर चीज़ इतनी परफेक्टली बनी हुई है कोई कमी पेशी नहीं है टेस्ट करते है। करते ही पाँच छः बाइट्स हो गई हैं मेरी ये कद्दू का अचार मैं तो नाश्ता भी नहीं किया संडे है मैं तो करके आई थी बट फिर मेरे से रहा नहीं जा रहा हूँ खा रही मज़ा आ गया पूड़ियाँ बहुत यम्मी है क्रिस्पी भी है सॉफ्ट भी है और यार एक बात है कि इन्होंने ना सिंगल फ्राई करा है मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है डीप फ्राइड नहीं मतलब जैसे डबल फ्राई नहीं करा इन्होंने कई बार जम्मू पूड़ी को ज़्यादा डबल फ्राई करते हैं हाँ क्योंकि उसको ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए ना वो डबल फ्राई करते हैं बट ये चीज़ यहाँ पे नहीं हम लाइव देख रहे थे जितनी भी पूड़ियाँ बनी हैं तो उन्होंने सिंगल फ्राई करा साथ में जो झाग वाली कॉफ़ी है ना यार लस्सी गाइज और कुछ नहीं अगर मैं कभी भी आऊँगी ना कॉफ़ी पीनी होगी तो मैं यहाँ पर एक बार ज़रूर आऊँगी मतलब इतनी टेस्टी कॉफ़ी है कैंसल मतलब लस्सी यार कॉफ़ी के बाद लस्सी क्या कॉफ़ी सब चल रहा है मैंगो शेक भी आया जब मैंगो शेक की खासियत 12 महीने मिलेगा जी इधर अंदर में कहीं नहीं मिलता प्रॉपर ड्राई फ्रूट लतपत चेरी मैंगो शेक भी मेरा फेवरेट है गाइज लाइक लस्सी बहुत टेस्टी है बहुत क्रीमिश है मतलब बहुत अच्छा मैंगो लस्सी का ग्लास देखो अगर 50 रुपीज़ का है तो मतलब लाइक साइज है पूरा ये नहीं है कि लूट डाली हुई मैंगो शेक भी बहुत टेस्टी है मतलब स्वीटी के बाद किसी का अच्छा मैंगो शेक है तो इनका लगा मुझे स्वीटी जूस बार वाली मेरी वीडियो भी ज़रूर देखना गाइस वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग वहाँ पे भी चीज़ें हैं तो देखो हमारा काम है भाई हर जगह शूट करनी ताकि आप लोगों को वेरिएशंस मिलती रहे और ये इसमें जो मलाई है ना मुझे बहुत पसंद है किन किन लोगों को मलाई पसंद है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मैं स्पेशल मलाइयाँ उतार उतार के खाती मैंगो शेक ने कमाल कर दिया यार थिक देखो कितना है मतलब लाइक जो मैंगो शेक है ना इनका इन्होंने ड्राई फ्रूट पूरे मोटे मोटे पीस डाले हैं यार मतलब कंजूसी नहीं करी कि काजू टुकड़ा नहीं मिलेगा इसमें मतलब काजू का पूरा पूरा पीस मिलेगा तो आप देख सकते हो मन ही नहीं कर रहा सही बात सवाल संडे हो तो इतनी सवाल पूरी तो बारिश का मौसम नज़ारे कितना सर्विस भी बहुत अच्छी लगी मुझे लाइक साथ साथ स्टाफ काफ़ी मतलब इनका है और आगे पीछे जो चाहिए उसी टाइम मतलब आ रहा है ये नहीं है कि 10 मिनट लग रहे 15 मिनट लग रहे पूरी ठंडी होगी तो तब आपका सामान आ रहा है और सब्जी फिर आ गई कितनी बार मर्जी लो सब्जी अनलिमिटेड है जितनी बार मर्जी लो भाई खुशी खुशी देते हैं हंस के देते हैं बस आलू बढ़ाओ थोड़े से आप मतलब जो कस्टमर्स आए भी हैं वो भी यही कह रहे थे कि सर्विस बहुत अच्छी है स्टाफ बहुत अच्छा है तो यही चीज़ होती है टाइम पर मिल जाए कोई भूख लगी होती है बंदा पहले करो सत्या आंदा भूख लगी फटाफट खा रोटी तो संडे ने बोटियाँ खा लो कुछ दिन नहीं उनको भी होता बाहर का खाओ ठीक है ना सो लाइक लिटरली हमने बहुत इन्जॉय करा है तो अभी हमारा डोसा तैयार हो रहा है और वो भी हमने सोचा है कि एक बार टेस्ट कर लें वो भी इधर कहते हैं मस्त चीट है मसाला डोसा हाँ मसाला डोसा देखते हैं तो देखते हैं अब कैसा है भाई
बहुत तारीफ हो रही है इसकी। और गाइस ये मेन इसकी अब लोकेशन बता दो यार, ये जो इसकी लोकेशन है ना, बेचारों को तंग ना करो, जो इनकी लोकेशन है मतलब हर बंदा यहाँ से रोज निकलता होगा पर किसी को ये नहीं पता कि यहाँ पूड़ियाँ भी मिलती है। पूड़ियाँ भी मिलती हैं जैसे हमें नहीं पता था। हाँ सही में नहीं पता था हमें, एक दो बार बाई चांस हुआ हम यहाँ से निकल रहे थे संडे के टाइम तो स्टॉल्स लगे बाहर तो पता लगा। तो ये कंपनी बाग जो है, कंपनी बाग चौक है क्रेमिका वाली लाइन में पहले ही, पुराना फूड कॉर्नर, पावर रिफ्रेशमेंट से दो शॉप्स पहले ही है, सुपर क्रेमिका रेस्टोरेंट जो है ना उससे भी पहले साथ वाली शॉप ही है, आपको पहले मिलेगी ये पावर के बिल्कुल साथ में। हाँ और यहाँ पे लाइक पर बाहर जूस वगैरह पड़े हैं तो ये ना सोचने की जूस बार है। हाँ एक कंप्लीट रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट है तो लाइक संडे को तो पार्किंग का कोई इशू नहीं आने वाला, आपको गाड़ियाँ बाहर लगी हैं तो कोई टेंशन नहीं है। सो आप भी अब एक बार आना ज़रूर और तब तक हम अपना फूड एंजॉय करते हैं। कॉफ़ी रोस्टेड, कॉफ़ी रोस्टेड, हाँ मतलब ना कुछ रोस्टेड सा फ्लेवर आ रहा है बीच में जैसे बहुत ज़्यादा टेस्टी है लाइक लिटरली। कॉफ़ी ली तो जरूर आओ यार, कॉफ़ी मस्ट है, लस्सी ले आओ, कॉफ़ी ले भी आओ, कॉफ़ी मस्ट है, मतलब कॉफ़ी ज़रूर करना पूड़ी के साथ जब भी करो एक। वैसे यार पता क्या होता है पूड़ियाँ खा के ना एकदम मेरे को तो होता है कि चाय कॉफ़ी साथ में चाहिए। कौन कौन ऐसे लोग हैं हमें बताना जो खाने के साथ चाय कॉफ़ी लेते हैं, मतलब मेरा नहीं रहा जाता मुझे, नहीं तो मेरा हेडेक शुरू। तो ये जो कॉफ़ी मिल गई है ना मतलब ये मस्ट है, मस्ट है। नहीं तो जनरली मशीन वाली वो कॉफ़ी होती दूसरी, मतलब नेस्प्रेसो वाली जो कॉफ़ी मशीन्स होती हैं वो नहीं मेरे को टेस्टी लगती इतनी। दिस इज लाइक शादियों वाली टिपिकल कॉफ़ी जो आप लोग इन्जॉय करोगे डेफिनेटली जब भी आप आओगे। आ गया जी रवा डोसा, रवा मिक्स डोसा कहते हैं, डोसा भी हमारा स्पेशल है जरूर ट्राई करो। चलो जगह तो है नहीं फिर भी कर लेते ट्राई। हाँ सही बात है पर लग स्वाद रहा गाइस, बहुत अमेजिंग है, मतलब इतनी क्रिस्पी लेयर है, मतलब इसकी जो उन्होंने बनाई है सूजी की तो मतलब कह नहीं सकते कि सूजी से बना, बहुत क्रिस्पी है यार ये रवा डोसा। तो मसाला भी कितना क्रिस्पी होगा, मुझे डोसा हमें बना कम से बेटर किसी का नहीं लगता। नहीं ये अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। स्पेशल अंकल ने बोला जो ऑनर आया कि यार डोसा जरूर ट्राई करो हमारा, मैं स्टफिंग कॉर्न्स आलू प्याज गोभी पनीर, स्टफिंग बहुत अल्टीमेट है कॉर्न्स की है, कॉर्न्स स्पाइसी है थोड़ा सा, सांभर भी अच्छा है, यम्मी है, मतलब मेन डोसे का पता लगता है उसकी क्रिस्पीनेस से। हाँ और ये बहुत क्रिस्पी है, जेन्युइनली अच्छा, जेन्युइनली अच्छा है, मतलब ये कंप्लीट जगह हो गई है सुबह से लेकर रात तक, कभी भी आओ, रात तक नहीं शाम तक, नहीं वो रात तक भी है सारा फूड, स्नैक सैंडविचेस वगैरह ये डिनर छोड़ने तो रात ही स्नैक्स भी खाते हैं लोग, अगर सैंडविचेस डोसे वगैरह खाने तो डोसा खाते ही हाँ रात को फिर आए, मतलब वैसे उनके पास डिनर वगैरह वो नहीं है। हाँ मेन कोर्स नहीं है, मेन कोर्स नहीं है, स्नैक्स आपको मिलेंगे रात को, डिनर के जा रही हूँ, मेन कोर्स नहीं है उनके पास, स्नैक्स के ऑप्शंस है तो आप रात को जैसे छोटी मोटी सेलिब्रेशन है या कुछ है पार्टी है तो आप आ सकते हो। डोसा इज लाइक वर्थ अमेजिंग, मतलब ज़रूर ट्राई करना अगर आप पूड़ियाँ भी खाने आ रहे हो ना, डोसा ज़रूर खाना है। सो अब हम डोसा तब तक इन्जॉय करते हैं, तो आप लोग अब ये विजिट अगर करी है तो हमें बताना आपको क्या अच्छा लगता है, और अगर नहीं करी तो बताइए प्लीज करो और हमें बताओ कैसी लगी, कैसी लगी लोकेशन इसकी, सिटी सेंटर ही है, रमाडा वाली साइड से आओ तो क्रेमिका की तरफ आना है, पहले ही है लेफ्ट साइड पावा के साथ चौक से, पहले पुराना फूड कॉर्नर, पुराना फूड कॉर्नर ये वाकई हिडन जेम है यार, मतलब इधर आप पार्किंग की तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लगा सकते हो गाड़ियाँ आती हैं, संडे को नहीं मिलेगी संडे अगर, क्योंकि ज़्यादातर संडे ही आते हैं पूड़ियाँ वगैरह ट्राई करने, संडे को पार्किंग का इशू नहीं होगा, वीकडेज में रहता है थोड़ा सा जो है वो है। ओके गाइस साड़ी तो हो गई हूँ बस, पका घर जाकर लग गया सौन, चाय भी पी ली है, कॉफ़ी पी ली है, पूड़ियाँ भी खा ली, डोसे भी खा ले, साढ़ा हूँ रात तक ओके हो गया। तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, फटाफट सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, शेयर करा करो अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कैसी लगी है। अब आप आओ इधर और बताओ आपने क्या ट्राई किया और कैसा लगा, और हमें और ऐसी जगह का और बारे में प्लीज़ बताओ, हमें भी बताओ, हमें भी पता लगे, हम भी घर बैठे रहते हैं तो बिल्कुल यू नो इसी बहाने एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, और गाइस इतने व्यूज़ आते हैं बट आप लोग कमेंट भी करा करो, हमें एक दिलासा होता है, मोटिवेशन मिलती है कि यार हाँ कोई हमारी वीडियो देख रहा है। चलो गाइस टेक केयर, बाय, एंजॉय, हैप्पी संडे।